तो जैसे ही फिर आप कैफ क्वालिफाई करते हैं तो आपके माइंड में ये होता है कि इन पहले तो आर्टिकल्स कहाँ किस सेक्टर में कराना है, इंडस्ट्री में जाना है या फर्म में जाना है। इंडस्ट्री में भी आपके पास कुछ अच्छे ऑप्शन होते हैं, फर्म में तो आपको पता ही है बिग फोर है, फिर और भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फर्म्स हैं, ए कैटेगरी की भी, बी कैटेगरी की भी। तो खैर मेरे हिसाब से फर्म बेहतर रहता है। उसकी वजह ये होती है कि आपको उसमें ना बहुत ज़्यादा बेहतर एक्सपोजर मिलता है, आप मल्टीपल सेक्टर्स के ऑडिट पे जा रहे होते हैं, अगर आप एडवाइजरी में भी हैं तो आप मल्टीपल क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं, आप अगर आप टैक्स में भी हैं तो मल्टीपल क्लाइंट से उसमें भी डील कर रहे होते हैं। खासतौर में ज़्यादातर तो हमारे बच्चे ऑडिट में होते हैं, तो मैं भी खुद ऑडिट में हूँ तो मैं इसी हिसाब से बता सकता हूँ। अब जैसे मैं हूँ, मैंने भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का भी ऑडिट किया है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का भी ऑडिट किया है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का भी ऑडिट किया है, उसके अलावा मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी ऑडिट किया। तो काफ़ी मल्टीपल सेक्टर्स का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, आपको आप फेमिलराइज हो जाते हैं उनकी टर्म्स से और उनके किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे। ऑब्वियसली दूसरी बात यह कि ऑडिट करते हुए आपकी जो ग्रिप होती है ना ऑडिट पे और अकाउंटिंग पे, वो और पक्की होती जाती है, क्योंकि उसका ये फायदा होता है कि जो आप पढ़ रहे होते हैं ना वो आप अप्लाई कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट पे, और जब आप अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आप क्लियरली समझ जाता है उसी टाइम पे ना, आपके जहन में से क्लैरिटी डेवलप होती है उस कॉन्सेप्ट की। तो मेरे हिसाब से बेहतर ये रहता है कि आप फर्म इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली कोशिश आपकी होती है शायद कि फर्म में बात चले जाए, लेकिन आर्टिकल बेहतर रहता है मेरे हिसाब से। फिर आप जब फर्म में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास उसमें भी दो तीन डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑडिट होता है, एडवाइजरी होता है, टैक्स होता है, तो तीनों डिपार्टमेंट्स ही अच्छे हैं। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है और कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अच्छी फर्म में। नॉर्मली हम ज़्यादा ऑडिट को प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे आपकी अकाउंटिंग और ऑडिट पे ग्रिप अच्छी हो जाती है। अगर आप फ्यूचर में फर्म में रहने का प्लान है तो ऑडिट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि ऑब्वियसली कुछ टाइम आप ऑडिट पे लगा दें, 2 साल 2.5 साल, और आखिरी के अपने 1 साल आप टैक्स में भी गुजार सकते हैं, एडवाइजरी में भी गुजार सकते हैं। उससे बेहतर ही होगा कि ऑब्वियसली आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाएगा, और फ्यूचर में ऑब्वियसली अगर जॉब की कहानी जब सिलसिला शुरू होता है तो एक ये होगा ना कि आपने मतलब दोनों साइड पे आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, तो उससे भी शायद थोड़ा एडिड एडवांटेज मिल जाता है।